हे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, किस प्रकार से आपकी तनख्वाह या आपकी पगार बढ़ेगी। हमारे दिमाग में कई सारे मिथ्स होते हैं, हमें लगता है कि अगर हम लोग ये चीज़ें कर लेंगे लाइफ में तो हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, हमारे पैसे बढ़ जाएंगे। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि किन कारणों से आपकी सैलरी एक्चुअली में बढ़ेगी, और जो भी आपके वेलविशर हैं, जिनको भी कि आप चाहते हैं कि लाइफ में वो आगे बढ़े, पैसा कमाए, नाम कमाए, उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कीजिएगा। क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसा नहीं रहता, जब आप वो चीज़ें करते हैं तो लाइफ में भी आप अपने ग्रो करने लग जाओगे, आप एक सक्सेसफुल और एक अच्छे शब्द जरूर बन पाओगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कि हमें लगता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी। अगर मैं अभी 20 साल का हूँ तो जब मैं 22 साल का हो जाऊँगा मेरी एज बढ़ जाएगी, जब मैं 25 साल का हो जाऊँगा मेरी एज बढ़ जाएगी। मैंने अभी भी ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि 25 साल के क्या 50 साल के हो गए, कॉमी 2 पढ़े हैं, उनकी सैलरी 12 से 15 हज़ार रुपये। तो जो पहला पॉइंट है वो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे एक्सपीरियंस का। आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, अगर आपको अभी 2 साल का एक्सपीरियंस है, जब आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। जब आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये भी बिल्कुल गलत है। मैंने कई सारे ऐसे बड़े बड़े शेफ़्स देख लिए जिनका कि 15 साल का एक्सपीरियंस है, उनकी तनख्वाह सिर्फ 10 से 12 या 15 या मैक्सिमम 20 हज़ार रुपये होती है। तो ये चीज़ भी गलत है। तीसरा यहाँ पे है आपका स्किल्स का। आपको लगता है कि आपकी जो कला है वो बहुत ही ज़्यादा आपको आती है तो आपको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, तो ऐसा भी बिल्कुल गलत है। ऐसा भी बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि सही नहीं है कि अगर आपको ये चीज़ आती हो तो आपकी तनख्वाहें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मैंने कई सारे ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे लोग देखे हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं पर तनख्वाहें क्या हैं, 15 हज़ार 10 हज़ार, लोग उससे भी कम तनख्वाहों में काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल एकदम मैं एक्चुअल आपको बता रहा हूँ। जो सबसे लास्ट पॉइंट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे है नॉलेज का, कि मेरे पास बहुत ही अच्छा नॉलेज है, मुझे मैं कॉमी 3 हूँ अभी, मुझे कॉमी 2 का भी नॉलेज मालूम है, मुझे तंदूर का भी नॉलेज मालूम है, मुझे मालूम है कि भाई क्या एक शेफ़ काम कर लेता है, क्या एग्जीक्यूटिव शेफ काम कर लेता है, मुझे सब कुछ मालूम है, तो क्या मुझे इस चीज़ का पैसा मिलेगा? जी नहीं, आपको इसका भी पैसा नहीं मिलेगा। आपका ये भी अगर आपको आता है तो आपका इंक्रीमेंट भी नहीं होगा, आपकी तनख्वाह भी नहीं बढ़ेगी। तो अब क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है जिससे कि हमारी जो ख्वाहिश है, हमारी इच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सैलरी बढ़वाने की, तो अब आप लोग सोच में पड़ गए होंगे। ये सारी चीज़ें आप लाइफ में अभी तक कर रहे थे और इन्हीं पॉइंट्स पे आप लोग काम कर रहे थे, पर जो पॉइंट है एक्चुअल में वो है आपका वैल्यू एडिशन। जी हाँ, वैल्यू एडिशन आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए। जब भी कहीं भी अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या अपने लिए ही कोई काम कर रहे हो, आप लोग वैल्यू एडिशन करने लग जाते हो, आपकी लाइफ अपने आप ही चेंज होने लग जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक कॉमी 3 है, वो होटल में काम करता है, अच्छा काम करता है, पर वहाँ पे एक कॉमी 2 की ज़रूरत है और कंपनी चाहती है किसी नए को हायर करना, और आप बोलते हो जी भाई मैं इस कॉमी 2 का काम कर सकता हूँ, आपको मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके काम भी करने लग जाते हो, आप कंपनी में वैल्यू ऐड करने लग जाते हो और अपनी वैल्यू एडिशन से कंपनी का प्रॉफिट करवाने लग जाते हो, तो आपकी जो सैलरी बढ़ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि एकदम बोल दीजिए कन्फर्म्ड हो जाता है। मेरे साथ भी खुद कई बार ऐसा हुआ है, इवन शिप के अंदर हमें कई बार कॉमी 1 नहीं मिलते थे, मैं कॉमी 2 था, मैं कॉमी 1 का भी काम करता था तो प्रमोशंस आराम से हो गया और सैलरी का भी इंक्रीमेंट अपने आप से हो गया, तो यहाँ पर मेरी पोजिशंस भी बढ़ गई और मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई। इवन आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब लोग आप लोग यहाँ बहुत ही अच्छा काम करते हैं, कोई भी आपका कोई भी दूसरी सीनियर पोजीशन का बंदा छोड़ के जाता है, आप अपने शेफ़ को बोलते हैं मैं इसके जैसा काम कर रहा था, अब मुझे वो पोजीशन चाहिए या मैं छोड़ के चले जाऊँगा, मुझे इतनी तनख्वाह चाहिए, तो यही वैल्यू एडिशन कहलाता है कहीं पर भी। दूसरा यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस ले लेता हूँ, जैसे मैं गूगल में था, वहाँ पर कोई भी एग्जीक्यूटिव शेफ़ नहीं था, मैं सूस शेफ़ था, तो जब तक मैंने वहाँ पर काम किया मेरा सबसे ज़्यादा वहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, मेरा सबसे ज़्यादा वहाँ पर पैसे बढ़ाए गए। क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी कमी महसूस ही नहीं होने दी कि भाई हमें एक एग्जीक्यूटिव शेफ की जरूरत है, मैंने ही पूरा का पूरा वहां पे काम चलाया, तो मेरा अपने आप ही उन लोगों ने इंक्रीमेंट कर दिया कि मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूं। तो वैल्यू एडिशन वो चीज है जो कि इन सब के सब पे, चाहे आपकी एज हो, आपका एक्सपीरियंस हो, स्किल हो, नॉलेज के ऊपर भारी पड़ जाती है। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पे देखिए क्या आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, अब अगर आप वैल्यू ऐड कर पाएंगे तो आप पैसे कमा पाएंगे।
एक बहुत अच्छा एग्जांपल अपने इस यूट्यूब चैनल का ले लेता हूँ। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स देखते हैं, फूड एंटरप्रेन्योर्स मुझे देखते हैं, कई सारी कंपनीज मुझे देखती हैं, तो उनको मैं क्या वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, स्टूडेंट्स को मैं बुक्स प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, उनके नॉलेज को मैं शेयर कर पा रहा हूँ, अपने नॉलेज को अपनी बुक्स के द्वारा, तो मैं वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। वो जो सारे के सारे स्टार्टअप करना चाहते थे उनको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे पा रहा हूँ, मैं वहाँ पर वो वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, मेंटरशिप प्रोग्राम्स के थ्रू, तो वहाँ से मैं रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ। वो सारे के सारे ब्रांड जो मेरे साथ कोलैब्स करना चाहते हैं उनकी विजिबिलिटी मैं अपने चैनल पे लाके बढ़ा रहा हूँ, उनको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी मैं अर्निंग कर रहा हूँ। तो जब भी आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करने लग जाते हैं तो आपकी तनख्वाह और आपकी पगार खुद भी बढ़ जाती है। तो इस बात को जरूर सोचिएगा, समझिएगा और हमेशा कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट आप मुझे नीचे लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।